गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजी जाफर ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हो आपको सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा हम लोग आए हैं देहरादून, और देहरादून में कुछ अच्छी अच्छी जगहें हैं, स्पॉट्स हैं, वहाँ हम घूम रहे हैं। तो आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। सुबह से तो क्या, इवन हम लोगों ने घूमना स्टार्ट किया था 1 बजे से, और 1 बजे हमने कैब बुक कर दी थी पूरे दिन के लिए। तो सुबह सुबह हमने सबसे पहला स्पॉट कवर किया था सहस्त्रधारा, और उसके बाद हम लोग गए थे रॉबर्स केव, और अब शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जो कि है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस और मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ पे आते लोग तो वहाँ दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। और ये देहरादून का जो मेन आप मान सकते हो ISBT से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर। और वैसे हम लोग तो एक शादी में गए हुए थे, इसलिए हम लोग 12 बजे के बाद ही फ्री हुए। अगर आप प्रॉपर घूमने के हिसाब से जाते हैं तो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करके और 8 बजे अगर आप निकलते हैं होटल से, तो आप अच्छे से 5-6 स्पॉट कवर कर सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं, देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो हम लोग दिन में एक दिन में 3 ही स्पॉट कवर कर पाए। और अब हम लोग आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। विंटर सीजन है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि ये हम लोग हमेशा मंदिरों में देखते हैं ना, चढ़ाई होती है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, लेकिन इस मंदिर की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ये मंदिर गुफा में है और ये गुफा नेचुरल बनी गई। यहाँ पे पहले नदी का बहाव था और फिर उसी नदी के पानी से कटाई हो के वो मंदिर बन गया। और जो इसके अंदर का शिवलिंग है वो भी सब नेचुरल है, 6,500 साल पहले ये मंदिर मिला था, और ये उससे भी पुराना है तो भी नहीं पता किसी को, लेकिन 6,500 साल पहले से सबको यूं मतलब पता लगने लगा है कि यहाँ पे एक मंदिर है और शिवलिंग है। उसके अंदर टपकेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गुफा है उसके अंदर से नेचुरल पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है 24 घंटे 12 महीने इसके अंदर नेचुरली टपकता रहता है। और यहाँ पे हमको जूते उतरवा दिए गए, यहाँ पे जूते उतार के हमने जमा करवा दिए, और शाम के 6 बजे थे, पानी गिरा हुआ था, इतना ठंडा मौसम था, पैर हमारे फ्रीज हो चुके थे। फ्रीज तो एक अलग बात है, सुन्न हो चुके थे पूरे के पूरे, पता भी नहीं चल रहा था कि पैर है या नहीं है, बट अब वो रूल्स है कि यहाँ पे जूते उतारने तो उतारने। और सर्दियाँ थी, गर्मियों का मौसम हो यहाँ पे आए बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी भी है नीचे की तरफ, और आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो वहाँ पे नदी है, नदी के अंदर आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एक बात और, यहाँ पे बहुत सारे सांप है, मतलब सांप एंड आप कहीं पे भी देखेंगे आपको दो तीन सांप तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली महादेव जी का मंदिर है और वहाँ पे उनके सबसे प्रिय सांप ना हो ये हो नहीं सकता। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं जो प्रॉपर शिवलिंग है, तो यहाँ पे ये नेचुरल शिवलिंग खुद से ही बना था, और जो आप ऊपर से देख रहे हैं ये गुफा है, जो केव है, ये इसी के ऊपर से पानी टपकता है। कहते हैं पहले यहाँ से दूध टपकता था और अब तो वो बंद हो गया धीरे धीरे, और अब यहाँ पे सिर्फ पानी ही टपकता है। और इस गुफा को ना द्रोणा गुफा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो द्रोणाचार्य थे गुरु, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, और उनका कहते हैं कि इवन घर भी यही था। और जो ये देहरादून है, सिटी है, इसको द्रोणा नगरी भी कहते थे, लेकिन वो द्रोणा नगरी अब देहरादून में कन्वर्ट हो चुका है। और सहस्त्रधारा जहाँ पे वो हजारों सैकड़ों धारा इकट्ठी होती है, वहां पे उन गुफा में भी द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। और कहते हैं कि इसी मंदिर में, इन्हीं गुफाओं के अंदर द्रोणाचार्य का पुत्र भी हुआ था, और यहाँ ही पे सारे वो पांडवों ने और वो सारी दीक्षा भी ली थी बाण वगैरह चलाने की। तो ये यहाँ की मान्यता है, कहते हैं यहाँ के जो पंडित वगैरह है वो सब ऐसे स्टोरीज बताते हैं। और काफी संकरी गुफा है, आपको काफी तो झुकझुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब नेचुरली कटिंग हो रखी है, जो भी यहाँ से पहले नदी जो बहती थी उससे अपने आप पानी के बहाव से जो कट होके गुफा बनी है, क्योंकि इसको मैनमेड नहीं है, मतलब कि इंसानों ने इसको काट पीट के नहीं बनाया, अदरवाइज तो हमारे हाइट के हिसाब से बनाते, 6 फीट 7 फीट इस हिसाब से बनाते, लेकिन नहीं, ये नेचुरल है। तो कहीं से बहुत ज्यादा संकरी है, कहीं से बहुत ज्यादा नीचे है, कहीं से बहुत ज्यादा ऊपर है। और अभी तो खैर अंदर से बहुत ही अच्छा बना दिया है, लाइक टाइम के साथ डेवलपमेंट होता रहता था, यहाँ पे मार्बल के आंगन वांगन सब कुछ बन चुका है अब तो, आपको जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, देखिए पानी जो टपक रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, तो ये ऐसे पूरी गुफा में पानी टपक रहा है, इसलिए पूरा फ्लोर गीला गीला ही रहेगा हमेशा, एनी टाइम पूरा फ्लोर गीला गीला और ठंडा ठंडा ही रहता है। तो सर्दियों में तो खैर बहुत भयंकर हमें ठंड लग रही थी, लेकिन गर्मियों में आने में बहुत मजा आता है, ठंडा ठंडा फ्लोर है, और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है और नीचे नदी बहती है, तो अब वहां जा सकते हैं, लेकिन हम तो बहुत ठंड थी और हमारे साथ बच्चा था तो हम तो नहीं गए। फिर और आना, हाँ, दोबारा फिर आना बच्चा, हाँ, सुख शांति रहो बच्चा। Thank you.
अच्छा है बच्चे का, वो बच्चों को उम्र दे, वो बड़ा है उम्र, ऐसी सुशील बच्चे माँ बाप सिखा रहे थे ना अच्छी तरह। हाँ जी मम्मी पापा अच्छे सिखा रहे थे। नहीं नहीं वो नीचे वो फूल गिरे हुए ना, उसके इसके फूल गिरे हुए ना छोटे छोटे। अच्छा ये फूल है ऊपर से बेटा। हाँ फूल है, ये फल का है, राम फल का फूल है। ठीक है पता चल गया। चलो अजीब से है, छोटे छोटे हैं लेकिन अजीब है। पता चला आपको कितना सारा आशीर्वाद मिला, किसी के हेल्प करने से, किसी को पैसे देने से क्या मिलता है, पुण्य कमाते हैं आशीर्वाद मिलता है। पुण्य कमाते और आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमेशा सबको पैसे देना है, हेल्प करना। ओके अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, हमें पैसे देने चाहिए। यस जिसको भी हेल्प की जरूरत हो ना सबकी हेल्प करनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ जाओ बाहर आ जाओ, हाथ जोड़ लो अच्छे से। क्या नहीं एक आ जाएंगे बच्चे को मेरे। पूरे पूरे देहरादून के कुत्तों को खिला दिया। फिर दूर 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 साइड में वहाँ एक जगह रख दो, वो खा लेंगे सब। ओहो ये तो बड़ा वाला आ गया यार, मुझे खुद को डर लग रहा है। देख क्या रहे हो, जो आप भी ले लो, आप भी ले लो। नहीं खाएंगे ये, कितना शांत है, पट्टे डाले वैसे लग रहा पालतू है, तो आएंगे ही नहीं। आ गई गाड़ी, आ गई आ गई आ गई, पियो आ जाओ गाड़ी आ गई, पियो आ जाओ। कैसे बुलाते हो, अच्छा ऐसे बुलाते हैं क्या। चलो बेटू गाड़ी आ गई, चलो बैठो बैठो ठंड लग रही है, आ जाओ आ जाओ, कमन कमन पापा आप दे देंगे। चलो 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 चलो, किनका प्रसाद है। हाय गाइस गुड इवनिंग, सो अभी टाइम हो रहा है 6:50, 6:50 टाइम हो रहा है और हम लोग आ गए थे वापस गेस्ट हाउस। कितने देर हुए, 15 मिनट हुए, 10-15 मिनट हुए, पीयूष हो गई थी एक्चुअली। सो हमारा था कि हम लोग डिनर विनर करके आएंगे और हमारे आज के जो भी घूमने के पॉइंट्स थे स्पॉट्स थे वो सारे हमारे हो गए थे कंप्लीट, और हमने सोचा कि मॉल चले जाते हैं और थोड़ा बहुत घूमेंगे खाएंगे पिएंगे और वापस आके सो जाएंगे। बट पीहू बीच में सो गई, और वैसे पीहू आज गाड़ी में भी सो गई थी काफ़ी देर, मतलब आधे पौन घंटे सो गई थी, घंटे पर सो गई थी आराम से। हाँ गाड़ी में सो गई, हाँ तो सो चुकी थी, उसने बहुत 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 सारा इन्जॉय किया, आपने वैसे भी ब्लॉग्स में देखा ही होगा। और एंड में तो हम ही थक गए थे, लेकिन जहाँ हम गए थे टपकेश्वर महादेव जी के, पता नहीं वहाँ की जो होती है ना मंदिरों की जो एनर्जी जो वाइब्स, पूरी की पूरी थकान इतनी चली गई ना, हम लोग मतलब इतने फ्रेश हो गए, इतने फ्रेश हो गए। तो हमने सोचा कि चलो यार एकदम अब तो कोई थकान ही नहीं लग रही है, एकदम फ्रेश हो गए, तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं मॉल चले जाते हैं, क्योंकि अभी रात को तो अभी कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कोई स्पॉट तो जा नहीं सकते। तो यहाँ का मतलब देहरादून का सबसे बिगेस्ट मॉल था, बहुत ही अच्छा मॉल था, हमने सोचा कि वहाँ जाएंगे। और हमने मतलब पूरी पार्किंग में गाड़ी डाल दी थी और पीयू को नींद आ गई। जाना इसलिए था कि काम था, बेडशीट लेनी थी। सो एक्चुअली क्या है कि इनको लेनी थी बेडशीट्स, क्योंकि हम लोग जाने के टाइम ना कौन सी इंटरसिटी है, क्या नाम है इसका, ऊबर इंटरसिटी नहीं, बस कहीं गया अभी जाएंगे उसमें, उसका नाम इंटरसिटी बस है, इंटरसिटी बस है कोई, बहुत अच्छी बस है, एसी बस है, प्लस उसमें वॉशरूम फैसिलिटी है, मैं आपको उसका पूरा टूर देने वाली, बहुत अच्छी बस है। हमने उसके सारे रिव्यूज़ देखे, हमने यूट्यूब वीडियोज़ देखे और फिर हमने उसको बुक किया, क्योंकि अब उसके बच्चे के साथ हम लोग ऐसा कोई रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं और कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फिर वैसे उसमें सब कुछ देते हैं, ब्लैंकेट बेडशीट पिल्लो न्यू कवर्स, बट ही इज़ लाइक कि नहीं मैं हम हमेशा साथ में कैरी करते हैं, ब्लैंकेट मूव नहीं हो सकते ना जो भी है,
इनको लेनी है, मैं मेरे को चल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सब चलता है, रफ एंड टफ है, बट ही इज लाइक नहीं नहीं बच्चा है, बच्चे के वायरस था, कोरोना वायरस, ठीक है ठीक है ना, अभी नहीं है ना वायरस, तो बोले कि बेडशीट लेंगे एक सिंगल एक डबल और बस आएगी कोई एक्सक्यूज थोड़ी लेके फेंक रहे। हाँ तो बस ये प्लान था, बट ठीक है वो पीयूष हो गए तो हम लोग आ गए वापस गेस्ट हाउस, पीयूष को सुला दिया रूम में सो रही, और हम लोग आ गए यहाँ पे डाइनिंग एरिया में, और ये क्या है, ये कौन सा एरिया, ये ड्राइंग एरिया, ड्राइंग रूम जो भी, टीवी चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, और हम लोग चिल कर रहे हैं, और हम लोग देखेंगे फोटोज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, और फोन चार्ज करेंगे एंड चाय आ रही है। हाँ जी भैया, हाँ हाँ दे दीजिए भैया चाय, थैंक यू चीनी। हाँ कौन लेगा, आप लेंगे मैम? हाँ मैं ले लूँगी, हाँ मैं खुद ऐड कर लूँगी ऊपर से, ऐड ठीक है सर, ये रखा सर, और हमारी आज की चाय, हम लोग करेंगे चाय एंजॉय, फिर करेंगे डिनर, एंड ही सेइंग कि फ्रेशन अप हो गया, मैं मॉल चलेंगे, बट मैं कह रही हूँ नहीं यार, मुझे व्लॉग एडिट करने, क्योंकि आप देखो आपके पास रेगुलर देखो किसी भी शहर में आके मॉल जाना अच्छा नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए मॉल्स एक्सप्लोर करना, अहमदाबाद में नहीं गए यार, बहुत अच्छे मॉल थे वो लोग, चलो हर जगह के अच्छे मॉल होते हैं, अच्छी स्पेशलिटी होती है, उदयपुर वाले में भी गए थे, हाँ हर जगह, वैसे देखो सब कुछ मिलता है, दिल्ली के मॉल तो वैसे बहुत फेमस है, बट स्टिल देखेंगे, बट यहाँ पे सोच रहे हैं बच्चे के साथ, हम अकेले होते ना अभी तक, वो सो लेगी ना, अपन हमेशा अकेले होते थे ना, तो कोई हमेशा अकेले होते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज बच्चा चीनी ऐड कर लेते हैं, मत डालो सही लग रही है, बिना पहले पी के देखो, डाल दो। सो कल हमारा सुबह का प्लान है मसूरी का, सो कल का व्लॉग आएगा मसूरी का, एंड इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंजॉय करते हैं हमारी चाय, अभी पीयू ने ठंडे पानी में पाव रखे हैं बहुत ज्यादा, आधा घंटा क्या एक घंटा, तो इसमें केव में आधा घंटा, वहाँ पे सहस्तारा में सिर्फ इसलिए करवाया था कि ये जिद करे थी मुझे पानी में पाँव डालना, तो मैंने करवा के थोड़ा सा दे दिया था इसको, बट जब केव में गए मुझे शक्कर ऐड करनी, गुच्छू पानी में, तो वहाँ तो था ही वही, मतलब वहाँ का मेन अट्रैक्शन ही वही था, मजा आया, जो भी हो यार आज के दिन में इतना मजा आया, वैसे हम लोग, मैं सही बता दूं ना, क्योंकि हम लोग पीयू के होने के बाद पहली बार घूमने गए चार सालों में, इसलिए मजा ही आ रहा है, सही बताओ पाया कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा घूमते थे, बहुत सी जगह एक्सप्लोर करते थे, लेकिन क्योंकि बच्चे को परेशान करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, अपने मजे के लिए अपने फायदे के लिए, हाँ फिर वो कोई एंटरटेनमेंट, अब ये चार साल की हो चुकी है, अभी एंजॉय करते हैं, उसको सारी चीजें समझ आती है, उसको याद रहती है, उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है, तो हर चीज उसको याद रहती है। एनीवेज हाँ मैं क्या कहती हूँ, इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, एंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मैंने रूम दिखा दिया था मैं आई थी तब, एनीवेज फिर भी दिखा देती हूँ, इसमें नहीं ऐड करूँगी, तो ये है रूम, ये है टीवी, इधर है डाइनिंग टेबल, जब अभी हम डिनर करेंगे तो शायद मैं ले लूँगी ब्लॉग वीडियो, हो रहा डाइनिंग, और हम यहाँ बैठे हैं, ये टीवी चल रही है, तो ये है यहाँ का टूर, मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। सो गाइस बेसिकली ये है इनकम टैक्स का गेस्ट हाउस, और मेरे फादर जो मेरे पापा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही है, सो उन्होंने हमारे लिए बुक करवा दिया था गेस्ट हाउस 2-3 दिन के लिए, ताकि हम लोग आराम से रहें, स्टे करें, और जितना भी घूमना है घूम सके, बट हमने सिर्फ एक नाइट ही स्टे किया, एंड दूसरी नाइट को हम लोग निकल गए थे, और अब हमारी पीयू भी उठ चुकी है, डिनर भी लग चुका है, जो यहाँ के जो भैया है केयर टेकर है गेस्ट हाउस का, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप हमारे यहाँ पे डिनर करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जब भी आएंगे आप यहीं पे खाना खाएंगे, एंड हमने भी सोचा कि क्योंकि पूरे दिन हमने बाहर खाना खाया, और जो रोटी है प्रॉपर रोटी होती है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिली, तो इसलिए हमें पीयू के लिए प्रॉपर रोटी चाहिए थी, गेहूं के आटे की रोटी जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, तो वो इन्होंने बनाई थी पतली पतली सी गेहूं के आटे की रोटी, बाकी हर जगह वो वैसे मतलब थोड़ी सी मैदे की और इस तरीके का खाना मिल रहा था,
तो पीहू के लिए हमने बेसिकली यहाँ पे खाया, और खाना रियली रियली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और स्पेशली उन्होंने सब कुछ पीहू को देखते हुए अलग से कम मिर्ची की सब्जियाँ बनाई थी। और मेरी आँखें इतनी काली हो चुकी, इतनी इतने दिनों से नींद बाकी है ना, और ऊपर से कल वो जो काजल वाजल लगाया था वो सारा फैल के इतना फिक्स हो चुका है। अब वैसे मेरे डार्क सर्कल्स ऑलरेडी है, ऊपर से अब सो इतने दिन से सो नहीं पाई, तो भाई कोई आंखें पता नहीं क्या हो गई है ना, जैसे कोई बीमार इंसान हो, कोई मुक्के मार रखे हो ना। एनीवेज अब चलते रूम में सोने के लिए। चले छोटू पानी पी लिया, लेट्स गो। हो गया न्यूज़ देख ली।